हैव बीन टेकिंग लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ माइंड एंड ये सब कुछ लोगों को क्लियरली समझ आता है कि बहुत बहुत सारी बातें जो आप एक कमरे के अंदर करते हो वो फिर अगर आप निकालने जाओगे ना तो फिर छींटे ही उड़ते हैं. एंड आई डोंट बिलोंग. रश्मि देसाई और अरहान खान की लड़ाई में अब लगातार नई नई ट्विस्ट आ रहे हैं. और अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे रश्मि देसाई ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अरहान पर तंज कसे और अब अरहान के खिलाफ लाइव आ गई हैं रश्मि देसाई. जी हाँ, दरअसल हाल ही में रश्मि ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ लाइव चैट किया, लेकिन जब इस लाइव सेशन में फैंस ने अरहान से जुड़े सवाल किए तो रश्मि ने भी पूरे पूरे जवाब दिए और अरहान की पूरी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी. सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाते हैं कि आखिर रश्मि ने अरहान को लेकर क्या कहा अपने इस लाइव वीडियो चैट में. सबसे पहले देखिए कि रश्मि ने किस तरह कन्फेस किया कि वो एक रिलेशनशिप में थी जिसमें वो इमोशनली जुड़ी थी, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ धोखा मिला. जिसमें मेरे बैंक स्टेटमेंट्स रिलीज हुए हैं एंड दैट वाज रियली मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि अरे ये क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि अरे बाप रे. बट यस, कभी कभी आप भी चलते चलते ऐसी गलतियां करते हो. मैंने बिग बॉस के घर में सीखा है कि यार ठीक है यार, गलतियां होती है, हर इंसान से हो जाती है यार. मेरी गलती, मैंने प्यार कर लिया और मेरी गलती, मैंने विश्वास भी कर लिया कम्प्लीटली. बट मेरी गलती ये कहीं नहीं थी कि उस विश्वास को सिर्फ एक तरफा ही मुझे रखना था. यह डेफिनेटली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट येस आई have lot of things to say. बहुत सारी चीजें हैं मैं बोलने जाऊं तो. Good. मैंने किया, मैंने कभी जताया नहीं, मैंने कभी बोला नहीं है. And ये तो बड़ापन होता है ना कि मुझे कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि ओके आई एम एन एक्ट्रेस, दिस इज वॉट माई वर्क इज एंड दिस इज हाउ आई दिस इज वेयर आई बिलोंग फ्रॉम. एंड मैंने कभी ये बोलना जरूरी नहीं समझा या मुझे एक्चुअली जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड आई एम इनफ एज रश्मि देसाई. मुझे किसी को अपनी आइडेंटिटी बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. मुझे हंसी इस चीज पे आती है कि यार लोग भूल तो नहीं जाते. ऑफकोर्स उन्होंने मेरा काम देखा है इतने सालों से, तो मुझे उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं किस घर से बिलोंग करती हूँ, मेरा काम क्या है और मुझे क्या करना चाहिए और मेरे क्या प्लान्स है, मैं क्या करने वाली हूँ आगे. आई बिलोंग फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली एंड आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट. यस, कमिंग टू माय लव लाइफ, यस आई वाज इन रिलेशनशिप. वी हैव स्टेड टुगेदर फॉर मंथ्स and we have shared our personal details with each other. Yes, I have loved somebody whom I don't know anything about his past, anything about related to him, but I trusted him. And mujhe nahi pata tha ki uska itna bada mujhe harjana bhugatna padega karke ki mujhse proof mange jayenge aur ye sari cheeze hogi karke, which I don't agree with, because when you're in love it's an emotion and that's where you exchange everything. Yes, when I came out of the house I also got to know a lot of other realities and I just want to say that I'm safe, I'm secured and today I have a house, I have my family jo bikhar chuki thi, we had lot of differences but today we are together. And people who really want to work on a good side, they see your good side and your good things. आप काम करते हो, आपका काम दिखता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको बता दें कि अपने इस लाइव चैट के दौरान रश्मि ने कहीं भी अरहान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह के इंसिडेंट इन दिनों हुए हैं उन्हें देखकर इशारा साफ मिलता है कि बात अरहान की ही हो रही है. वैसे आपको बता दें कि अरहान खान ने रश्मि के बैंक स्टेटमेंट लीक होने के बाद उन्हीं पर ये आरोप मढ़ा था और कहा था कि रश्मि ने ही ये जानबूझकर किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की. लेकिन अरहान की इस बात का भी करारा जवाब रश्मि ने अपने फैंस के सामने खुलकर दिया. तो सुनिए क्या कुछ कहती है रश्मि. मैं ये हर चीज पे तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है और मुझे ऐसे फील होता है यार व्हाट गाइस, व्हाट आर यू गाइस आर अप टू. यस हाँ, मैं भी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग मुझे जब बोलना ही होता तो मैं बिग बॉस के घर में भी बोल देती. तब मैंने नहीं बोला तो मैं अभी क्यों करूंगी. एस आई वॉज
इन रिलेशनशिप, हम साथ भी रहे हैं, हमने एक दूसरे को एक समझने का वक्त दिया भी है, हमने एक ऐसा शो भी किया है, चीजें नहीं हुई, मैंने एक्सेप्ट की, मैंने तभी गलत नहीं बोला शो के दौरान, मैंने शो के बाहर आके गलत नहीं बोला, मैं अभी क्यों बोलूंगी। एंड आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स यार टू से, मेरा आडी शो चल रहा है, Then I'm doing my other shows, मेरा नागिन शो चल रहा है, उसको लेके मेरे साथ बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे बातें चल रही हैं, मेरी शूट को लेके प्लानिंग्स चल रही है, मेरे खुद का प्रोडक्शन हाउस जो है उसको लेके प्लान आउट्स चल रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, डेफिनेटली मैं उन सारी चीजों पे काम कर रही हूँ। सुना आपने, रश्मि के मुताबिक उन्होंने अरहान के साथ रिलेशनशिप में होने के दौरान उन पर ही पैसे खर्च किए, लेकिन वो पुरानी बातों को भूलकर अब आगे बढ़ना चाहती हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, मगर इस लाइव चैट में वो अपनी दोस्त देबुलीना का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूली। जी हाँ, उन्होंने ऐसे वक्त में देबुलीना को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद किया। रश्मि ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। जो जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिखाया कल ट्विटर पे, देबुलीना है, मैं I can't believe that, you know, being a friend, she's done so much for me and she understands me, she loves me the way I am, and I think that what matter. Jivita, Nidhi, my brother, my family, my people, my viewers who are watching me, the people who loves me the way I am and people who know about me, ke itne saalon mein maine kabhi कुछ ऐसा किया नहीं है, तो मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। तो सुना आपने, रश्मि ने कितनी बेबाकी से माना कि उनका अतीत था, लेकिन बस अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। अरहान को पीछे छोड़ दिया है रश्मि ने, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।